इटावा के स्वास्थ्य विभाग महेवा का हाल हुआ उजागर। सीएमओ साहब बने अनजान। जहां विकास खंड महेवा निवासी दाऊदपुर की सविता त्रिपाठी ने एक प्रार्थना पत्र देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को अवगत कराया है कि महेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर गौर ने फोन करने के बावजूद भी गलत रिपोर्ट पैसे लेकर अधिक चोटें गोविंद पुत्र रविंद्र कुमार के शरीर पर दिखाई गई हैं। 8 मई को डॉक्टरी परीक्षण हुआ था, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और पुनः डॉक्टरी परीक्षण किया जाए। अब आगे की घटना इस प्रकार है। डॉक्टर मनोज गौर 3 तारीख से जब अधीक्षक डॉक्टर यतेंद्र राजपूत ने कहा तो उस दिन से हॉस्पिटल नहीं आए और अधीक्षक को भी धमकी देकर चले गए। अब न तो फोन उठा रहे हैं, न आ रहे हैं, न ही छुट्टी ली। तभी अधीक्षक ने तहरीर अपने सीएमओ व थाने में दी डॉक्टर मनोज गौर के खिलाफ। फिर उसका आरोप, एक मामला कुड़रिया का है जो लाली कठेरिया नाम की महिला ने आरोप लगाया कि हमारी पुत्री के साथ कुछ गांव के लड़कों ने छेड़खानी की थी। मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी और दूसरी पार्टी ने मेडिकल डॉक्टर मनोज गौर द्वारा रुपए लेकर 324 धारा बना दी और हमारे परिवार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जबकि पीड़िता लाली अभी भी थाने के चक्कर लगा रही है। गाँव के कुछ दबंग लोग दबाव बना रहे हैं समझौता करने का और लाली कठेरिया ने फर्जी मेडिकल करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं क्षेत्र की जनता ने जिलाधिकारी जेबी सिंह से मांग की है कि ऐसे डॉक्टरों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आए दिन फर्जी मेडिकल बनाकर पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है, जबकि डॉक्टर एक मिनी गार्ड माना जाता है। दिनों दिन विश्वास उठता जाएगा इनसे। महेवा इटावा से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध भदौरिया की रिपोर्ट। अगर स्वास्थ्य परीक्षण करने के उसमें कोई रिश्वत ली गई है तो ये आपराधिक घटना है और जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर मनोज करके कोई डॉक्टर हैं, उनके साथ दो स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद हैं। कैमरे में जो तस्वीरें हैं साफ बयां कर रही हैं कि डॉक्टर भी परीक्षण के नाम पर सीएससी पर जमकर उगाही होती है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी और किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सर, जो डॉक्टर हैं, अगर वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर पीड़ित व्यक्ति की तरफ से अगर हमें मिलती है सूचना तो हम उसकी पूरी विस्तृत जांच करा के जो भी आईपीसी एक्ट में जो भी धारा बनती होगी एफआईआर करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सर पीड़ित नहीं देना चाहता तहरीर ऐसे में तो फिर क्या किया जाएगा? पीड़ित अगर तहरीर नहीं दिया जाता तब भी जो भी संबंधित चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और स्पष्टीकरण मिलने के बाद उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट के और सीएससी प्रभारियों को क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि ईमानदारी से कर्तव्य परायणता से अपना कार्य करें